मुरादाबाद के मजुला थाना क्षेत्र में उस समय एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कटघर थाना क्षेत्र के रहमत नगर गली नंबर 8 में रहने वाला नाजिर हुसैन एक पीतल फर्म में काम करता है। नाजिर हुसैन अपनी पत्नी मरियम और 3 साल की बेटी सिद्रा के साथ बाइक से अपनी ससुराल मैनाठेड़ थाना क्षेत्र गया था। वहां से बाइक सवार दंपत्ति बेटी के साथ घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान मजुरा थाना क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर गागन पुल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला मरियम और उसकी 3 साल की बेटी सिद्रा की मौत हो गई। वहीं हादसे में नाजिर हुसैन बाल बाल बच गया। एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से? ट्रक से। हाँ, बाइक पे थे? बाइक पे। पीछे से साइड मार दी थी। अच्छा। मैं बाइक एक्सपायर हुई जी, जिनकी उम्र 30 साल जी, और एक बेटी जिसकी उम्र 3 साल। अच्छा, आप लोग कहाँ पर हैं जी? आप लोग कहाँ पर हैं? लाइक बाइक नहीं, आप लोग कहाँ पर हैं? आप पोस्टमास्टर हाउस। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची मजुला थाना पुलिस ने छानबीन करने के बाद मां बेटी के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मां बेटी की मौत से उसके परिवार में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद काफी देर तक संबल रोड पर जाम की स्थिति बनी रही।